मरवाया गया, कारण तो वही जानेगा। कारण यही है कि जमीन विवाद था 3 महीने पहले, कारण यही है। मामूली विवाद और 3 लोगों की जान चली गई। जब रात में सभी सो रहे थे उसी समय गोलियों की तड़तड़ाहट से फतवा गूंज उठा। दरअसल मामला आपको हम बता दें उससे पहले, नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार, आप बने हुए न्यूज पीआर के साथ। देखिए, फतवा थाना अंतर्गत एक गांव में मामूली विवाद को लेकर तड़तड़ाहट यानी गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव गूंज उठा और इस गोलियों की तड़तड़ाहट में 3 लोगों की मौत हो गई, यानी यूं कहिए एक ही घर का 3 चिराग बुझ गया। पटना पुलिस की लापरवाही कहिए या जो आप समझें। देखिए, जिस तरीके से बिहार से तमाम खबरें जो आ रही है, लूट, हत्या, डकैती जैसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, इससे आंकड़े तो साबित करते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त होते हुए नजर आ रही है। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन पता चलता है कि मामला क्या था और क्या हुआ। देखिए, दरअसल बात था कि दूध को लेकर विवाद था और कई लोगों का कहना है कि जमीनी विवाद थी। ये 400 रुपये का विवाद था जो तूल पकड़ता चला गया। इस पर पंचायती रखी जा रही थी, पंचायती रखने ही वाले थे कि लोग एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर जाकर धमक आते हैं और पहले तो बातों बात में बकझक शुरू होती है और उसके बाद जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं पिस्टल निकालते हैं और गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके गूंज उठती है, जिसमें से 4 लोगों को गोली लगती है। एक का इलाज पटना के सदर अस्पताल में चल रहा है, बाकी 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। सिटी SP वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद तहकीकात करते हैं, जाँच में जुटते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं सिटी SP, जरा वो सुनिए, और परिजन क्या कर रहे हैं जरा वो भी सुनिए। आज रात को सूचना मिली थी कि फतवा थाना अंतर्गत फायरिंग हुई है जिसमें 3 आदमियों की डेथ हो गई है। पुलिस जो है अनुसंधान कर रही है, इसमें 3 आदमियों को जो उनके डेड बॉडीज हैं पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। एक पर्सन इंजर्ड है, उसे पूछताछ की जा रही है। जो प्राथमिक जांच है उसमें ये सामने आया है कि विवाद दूध के व्यापार या दूध के पेमेंट लेकर जिसमें 400 रुपये का मात्र विवाद था, उसी को लेकर पंचायती होने वाली थी, उसी के चलते दोनों पक्षों में फायरिंग की घटना थी कि हमको मरवाया गया है। आप किनके पक्ष के हैं, नाम बताइए। जय जी के बाबू हुए हैं। अच्छा, उनकी मौत गोली लगने से हुई है। हाँ। गोली आखिर जिसने भी मारा, क्या कारण है, क्या गोली क्यों चली? मरवाया गया, कारण तो वही जानेगा। आपके अनुसार कोई विवाद नहीं है? उससे हमको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कोई गोली तो यही नहीं चला देगा ना, आखिर कुछ कारण बताइए। वो बोला है कि उसको मारो, यही कारण है। देखिए, ऐसा है कि कोई आदमी अमर भाई सुर 3 दिन पहले खाली गए लड़ाई छोड़ावे, बस एक दू को बच्चा लड़ाई कर रहा था, बस छोड़ाया है, वही के कारण ये सब है। मगर ये सब झूठ बात है, उसको मरवाया गया है। उधर तो दूसरे पक्ष का कहना है कि कोई दूध का लेन देन का मामला है, उसके कारण गोलीबारी हो गई। बात तू मैं होते होते बढ़ गया। तू मैं तो हुआ, वो बात क्लियर है। इसको जान से मरवाया गया है। देखिए, ऐसा है मैडम, जान से मरवाने का कोई कारण तो होगा, आप उनकी भब्बू हैं तो कोई कारण बताइए। कारण यही है कि जमीन विवाद था 3 महीने पहले, कारण यही है। अच्छा, अगर हमको आपसे कोई लेना देना नहीं, हम ऐसे ही तो नहीं मारेंगे, कुछ न कुछ होना ही है। बस हम तो देखे नहीं, तीसरा के रख के गोली चलाया गया है हमारे सामने। उसका ये अभी जो आया ना लेसी, उसका भाई संतोष है, हमको अलंग पर बोला है कि आदमी के आग लगा देंगे। हम भी बोला कि ओकरो 4 गो बेटा नहीं है, वह आग लगा ही देगा। तो आप आगे क्या चाहते हैं? आगे क्या चाहेंगे? आगे हम वही चाहेंगे, हमको ये गया उसको हम लेंगे, बस